नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आपका इंतजार पूरा हुआ क्योंकि नवरात्रि आने ही वाले हैं। आप सब लोग बार बार बोल रहे थे कि मैम नवरात्रि तो थोड़े दिन ही रह गए, आपने अभी जो पूजा विधि है उसकी वीडियो तो दी ही नहीं, आप जल्दी करें क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो मैंने सोचा चलो आपको ये वीडियो जल्दी से दे ही दी जाए। और नवरात्रि आ ही रहे हैं, जैसे कि जब नवरात्रि हैं 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं तो माता के 9 रूपों की पूजा की जाएगी और पूरा हर जगह उत्सव का माहौल होगा, भक्ति में होगा और सब भक्ति में लीन होंगे माता रानी की। तो बिल्कुल, क्योंकि आजकल कोरोना काल है, ज़्यादा ताम झाम से पूजा नहीं की जाएगी, मंदिरों में भी नहीं जाया जाएगा, तो क्यों ना इस दौरान हम अपने घर में जो हमारे पास जो सीमित सा सामान होता है उसी में ही पूजा अर्चना हम माता रानी की कैसे कर सकते हैं और हम उन्हीं से अपने घर में सजावट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले के लोग होते थे, जो घर में सामान होता था उसी से ही पूरा जो माहौल है उत्सव की तरह बना लेते थे और अच्छा भी लगता था। तो मुझे तो लग रहा है फिर से वही टाइम आ गया है। तो क्यों ना हम अपनी किचन के सामान से ही, लिमिटेड से सामान से ही, जो माता रानी का जो नवरात्र है उसे उत्सव की तरह मनाएं। तो हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी, क्या क्या सामान चाहिए होगा, और ज़्यादातर सामान मैं वही बताऊंगी कि जो हम सब के घरों में होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि जो पहले के लोग थे वो बिल्कुल विधि विधान से करते थे, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से लगाते थे। तो हम भी उसी विधि विधान की तरफ चलते हैं और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पूजा करते आए हैं हम भी ठीक उसी तरह से ही उसी परंपरा पर चलते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि आपको सिंपल सी साधारण सी घर के सामान से ही हम पूजा विधि क्या है और आसान तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आपको सामान बता देती हूँ कि क्या क्या चाहिए होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि सामान बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सामान है ये घर में मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लाइन वाइज चलते जाएंगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है। अगर आपने मंदिर में ही पूजा करनी है तो आप मंदिर में ही माता की फ़ोटो लगाएं। अगर आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक चौकी। तो चौकी पर रखने के लिए हमें चाहिए होगा लाल कपड़ा, फिर चाहिए होगी माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, माता रानी को चढ़ाने के लिए लाल चुन्नी, फिर चाहिए होंगे हमें चावल, चावल रंग किए हुए, अगर आपने चावलों को रंगना है तो सफ़ेद चावल ले लें या तो उन्हें पीली या तो उन्हें हल्दी से रंगें। ये तो सभी चावल इकट्ठे कलर किए हुए हैं, जैसे कि आपने सफ़ेद चावल ले लिए या तो खाने वाला पीला रंग है उससे रंग ले या हल्दी से चावलों को रंग ले। तो चौकी लगानी होगी, माता रानी की फ़ोटो, माता रानी की चुन्नी, फिर हमें चाहिए होगा तांबे का एक लोटा, तांबे का हो, कांसी का हो या पीतल का हो, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगा एक हरा नारियल, फिर हमें थाली में, मैं बता देती हूँ हमें क्या चाहिए, रोली, चावल, मूली, फूल, सुपारी, इलायची, हल्दी, कपूर माता रानी को चढ़ाने के लिए, इत्र, चावल, लौंग, चीनी, हल्दी की गांठ, रंगे हुए चावल, केसर, गणपति जी को चढ़ाने के लिए दूर्वा और गणपति जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ, और हमें लेने होंगे पान के पत्ते, और ये मैंने लिया है अशोक के पत्ते लिए हैं 5, ये जिसे पंचपल्लव बोला जाता है 3, तो आपके पास पान के पत्ते हैं पान के पत्ते रख सकते हैं, अशोक के पत्ते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं तो आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। फिर हमें चाहिए घी का दिया, तो दिया आप, अगर आपने अखंड ज्योत जलानी है तो आपको ऐसा दिया लेना होगा जिसकी ये जो बीच में से पेच खुल जाता है ये देखिए, तो ये भी मैं आपको अभी बता दूंगी। तो फिर अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो एक दिया लेना होगा, अगर अखंड ज्योत नहीं भी जलाना चाहते तो भी
देसी घी का दिया तो जलाना ही जलाना है, और अगर आप अखंड जो जलाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि देसी घी की जलाएं, आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगी धूप, माता रानी के श्रृंगार के लिए सामान उनका, फिर हमें एक लेना होगा मिट्टी का बर्तन जिसमें हमें जौ उगाने, ये है जौ, ये मिट्टी का पात्र, और इसमें हमें चाहिए होगी मिट्टी, माता रानी के भोग के लिए पंचमेवा, अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट घर में है आप उसका भोग लगा दें, अगर कोई भी ड्राई फ्रूट घर में नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप माता रानी को मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। फिर माता रानी को चढ़ाने के लिए फल, वैसे तो 5 फल होने चाहिए, अगर 5 फल नहीं है तो आप जैसे 2 केले चढ़ा दें, 2 सेब चढ़ा दें, लेकिन 3 की मात्रा में ना चढ़ाएं। और माता रानी को भोग लगाने के लिए 1 मीठा पान, जैसा कि मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि मैं मीठे पान का भोग माता रानी को पूरे 9 के 9 दिन ज़रूर लगाती हूँ। फिर हमें चाहिए होगी हवन के लिए, अगर आप घर में हवन करना चाहते हैं रोज़ाना, तो ये है गोबर से बने हुए उपले, गाँव में तो वैसे बने बनाए मिल जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा पैकिंग में मिलते हैं, ये भी थोड़ा स्टाइलिश ही बने हुए हैं, ये है उपले हवन सामग्री। फिर हमें चाहिए होगी दुर्गा सप्तशती की किताब, इसके अंदर दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं और इसमें दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी की आरती सब कुछ है, तो ये भी हमें ज़रूर चाहिए होगी क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है नवरात्रि में, दुर्गा चालीसा भी रोज़ बोली जाती है और माँ दुर्गा जी की आरती भी की जाती है। तो बस ये सामान मैंने आपको सारा दिखा दिया, तो चलिए अब थोड़ी सी आपको पूजा करके बता देती हूँ कि किस तरीके से करनी है। तो मैंने चौकी लगा दी है, चौकी के ऊपर मैंने बिछा दिया है लाल कपड़ा, और ये पानी है, इसके अंदर गंगा जल भी मिक्स है, तो सबसे पहले पानी फूल से थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेते हैं, उसके बाद विराजमान कर दूँगी माता जी की मूर्ति को। फिर मैं सबसे पहले करूँगी कलश की स्थापना, तो कलश स्थापना की वीडियो आप लोगों को मिली जाएगी, क्योंकि मैं तो आप लोगों को सिर्फ पूरी तैयारी बता रही हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। फिर एक कलश लेंगे, कलश में डालेंगे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 फूल, ये कलश में छोड़ेंगे। फिर इसमें डालेंगे गंगा जल, गंगा जल डालने के बाद कलश में डालेंगे पानी। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। फिर कलश में बांधनी है मूली, मूली मैंने पहले ही बांधी हुई है। फिर कलश पर बनाएंगे स्वास्तिक, ये देखिए मैंने कलश पर बना दिया है स्वास्तिक। और अब जहाँ कलश की स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना हमें करनी है माता की फ़ोटो के दाईं तरफ, तो इस तरफ मैं कलश की स्थापना करूँगी। ये मेरे पास रंग किए हुए चावल हैं, आपको चावलों को हल्दी से रंगना है या पीले रंग के जो खाने वाला रंग होता है उससे रंगना है। और इससे हम बनाएंगे अष्टदल कमल, अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप जो अष्टदल कमल बनाएंगे तो आपको अष्टदल कमल हल्दी से बनाना होगा, ये हल्दी है। तो घर में चूहे हैं जैसे कि कहीं ये चावल वगैरह खा ना जाए, तो आप हल्दी से अष्टदल कमल बनाएं और साथ में थोड़ी थोड़ी लगा दें रोली, लेकिन मैं आपको चावल से बनाना बता रही हूँ। तो वैसे अष्टदल कमल कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी, और जो पहले भी मैंने अष्टदल कमल बनाया हुआ उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो चावलों को लेकर मैंने फैला दिया है, तो अब मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। तो बिल्कुल साधारण तरीके से बता रही हूँ अष्टदल कमल कैसे बनाना है। तो मैंने ये 4 लाइनें खींच दी है, और अब इन 4 लाइनों को मैं जोड़ दूँगी। तो ये देखिए ये जो अष्टदल कमल है ये कितनी जल्दी बन गया। फिर इसके ऊपर रख देंगे कलश, तो अष्टदल कमल पे मैंने ये विराजमान कर दिया कलश को। फिर जो पंच पल्लव लिए थे, जो 5 पत्ते लिए थे, उन पर मैं लगा दूंगी रोली से टीका। तो फिर नारियल लेंगे, नारियल पर भी लगाएंगे रोली से तिलक, और फिर
नारियल पर चढ़ाएंगे चुन्नी या कोई लाल कपड़ा और उसे मोली से बांध देंगे। नारियल रख दूंगी, जो नारियल का मुख होगा यानी कि जो नारियल पेड़ से जुड़ा हुआ होगा उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि जो पूजा करने वाला साधक होता है उसकी तरफ होना चाहिए। तो कलश स्थापना करने के बाद हमें जो ज्यों हैं उन्हें बीज देना है। तो ज्यों कैसे उगाए जाते हैं इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर ही चुकी हूँ, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यों आप मिट्टी के बर्तन में भी उगा सकते हैं, जैसे घर में एक परात है जिसमें आटा गूंथते हैं उसमें भी आप जो ज्यों है उगा सकते हैं, या अगर आपको अपने घर के मंदिर के पास ही जैसे ज़मीन है उस पर गंगा जल से पहले सफाई कर ले वहाँ पर, और वहाँ पर मिट्टी बिछा कर वहाँ पर भी आप जो ये जो हैं उगा सकते हैं। तो जो उगाने के लिए बता देती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले ये जो मिट्टी का पात्र है इसको अच्छे से धो लेंगे, फिर इस पर मोली बांधेंगे, इस पर स्वास्तिक बनाएंगे और इसके चारों तरफ लगाएंगे रोली से तिलक और फिर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ज्यों को हमें पहले एक दो घंटे पहले भिगो देना है, फिर उसके बाद इसके अंदर मिट्टी डालेंगे, फिर उसके बाद डाल देंगे ज्यों, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर ज्यों डालेंगे। तो आप देखेंगे कि जो ये ज्यों है बिल्कुल हरे भरे आएंगे, अच्छे आएंगे और रोज़ाना उनमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे। वैसे आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर बनाएंगे नवग्रह, तो नवग्रह भी ज़रूर बनाए जाते हैं। तो हमें 9 ढेरी चावल की इस तरीके से रख देनी है। अब मैं बना रही हूँ नवग्रह, ये भी मैंने चावल जो कलर किए हुए हैं उन्हीं से बना रही हूँ। आप पीले चावलों को पीला रंग करके भी बना सकते हैं। और षोडश मातृका भी बनाई जाती है जिसमें जो 16 देवियाँ होती हैं उनको आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो जो षोडश मातृका है बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे बनाई जाएगी उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो ये बन गए हैं नवग्रह। तो जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है या घर में कोई पूजा पाठ बड़ी की जाती है तो नवग्रह भी बनाए जाते हैं और षोडश मातृका भी बनाई जाती है। तो आप ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह ही जब आप स्नान वगैरह कर लें, और जो स्नान आपको करना है सिर समेत करना है, यानी आपको अपना सर धोकर ही स्नान करना है, और जब पूजा करेंगे तो अपने बालों में आपको कंघी नहीं मारनी है। जैसे आपने सर धोया, कुछ लोग होते हैं कि सर धोकर आते हैं और उसके बाद कंघी मार लेते हैं, लेकिन जब भी कोई पूजा पाठ करने से पहले सर धोया जाता है तो सर में कंघी नहीं मारी जाती, वो अशुभ मानी जाती है। तो आप भी जब पूजा करने से पहले जब स्नान करें तो सर तो धोना ही धोना होता है, तो कंघी ना मारें। और फिर आप अपने जो घर का मेन गेट है वहाँ पर बंधन वार जरूर लगाएं। वैसे वो एक वीडियो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि आपको जो शुभता के प्रतीक होते हैं नवरात्रों में आपको कैसे करने हैं। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, घर के बाहर स्वास्तिक लगाएं, बंधन वार जरूर बनाएं, तो उसकी वीडियो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और स्वास्तिक जरूर बनाएं और अपने घर के बाहर माता रानी के जो चरण हैं वो जरूर बनाएं और रंगोली बनाएं, और जो जहां आप माता रानी की चौकी लगाएं वहां पर भी आप रंगोली बनाएंगे तो आपको और माता रानी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने जो एक घी का दिया है वो माता रानी के सामने रख दिया है। अगर आप अखंड ज्योत अपने घर में जलाएंगे तो अखंड ज्योत आपको जलानी है माता रानी की फ़ोटो के बाईं तरफ, कलश रखेंगे दाईं तरफ, अखंड ज्योत जलाएंगे बाईं तरफ, और जो दिया है वो सामने जलेगा ही जलेगा क्योंकि इस दिए से दोनों वक्त होगी आरती। तो जो अखंड दिया लगाएंगे उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको जो अखंड ज्योत है वो कैसे जलानी है। तो मैं थोड़े से चावल रख के बता देती हूँ। तो आपको इस तरीके से दिया रखना होगा और यहाँ पर आपको लगानी होगी अखंड ज्योत। कलश स्थापना करने के बाद और नवग्रह बनाने के बाद और षोडश मातृका बनाने के बाद हमें जो अखंड दिया है वो जला देना है। अखंड दिया जलाने के बाद फिर हम करेंगे गणपति जी की स्थापना यानी कि गणपति जी की पूजा। तो मोली से मैंने गणपति जी बनाए हुए हैं। अगर आपके घर में छोटा विग्रह गणपति जी का है या चांदी के गणपति जी हैं
तो आप वो विराजमान करें। तो थोड़े से चावल रखेंगे क्योंकि चावलों का ही आसन देंगे गणपति जी को, और ओम गं गणपते नमः बोलते हुए उन्हें वहाँ पर विराजमान कर देंगे। फिर हम इनको करवाएंगे स्नान। तो मैं अखंड ज्योत आप जला नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि गणपति जी की पूजा करने से पहले आपको जो अखंड ज्योत है वो जला देनी है। तो सबसे पहले गणपति जी को करवाएंगे स्नान, ओम गं गणपते नमः बोलते हुए फूल लेंगे और फूल से स्नान करवाएंगे। फिर गणपति जी को वस्त्र धारण करवाएंगे, गणपति जी को वस्त्र पहनाएंगे, ओम गण गणपते नमः बोलते हुए गणपति जी को पहनाएंगे जनेऊ। फिर गणपति जी के लगाएंगे तिलक, और ये है इत्र, तो गणपति जी को लगा देती हूँ थोड़ा सा मैं इत्र। फिर चढ़ाएंगे गणपति जी को फूल, ओम गं गणपते नमः बोलते हुए। फिर गणपति जी के लिए बना दूंगी मैं पान, पान में मैं रखूंगी दो लौंग, दो इलायची, और इसको कर दूंगी मैं फोल्ड। तो अगर आपने मीठा पान बनवाया है तो गणपति जी के लिए भी मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। तो ये बना दिया मैंने पान का भोग उनके लिए। फिर जो फल है आपके पास गणपति जी के ऊपर चढ़ा दें फल। अब करेंगे कलश की पूजा, और अब कलश पर चढ़ाएंगे फूल, तिलक भी लगा दिया था हमने जब पहले स्थापना की थी। अब करेंगे माता रानी की पूजा, माता रानी को पहले गंगा जल वाले पानी से छींटे मारेंगे, स्नान करवाएंगे, ओम दुर्गाई नमः, ओम दुर्गाई नमः बोलते हुए। फिर माता रानी को चढ़ाएंगे चुन्नी, क्योंकि मैं जो पूजा आपको बता रही हूँ मैं बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से बता रही हूँ। और जो माता रानी की चौकी है इसके सामने आप चावल से, फूलों से रंगोली भी बना सकते हैं। फिर माता रानी को मैं लगाऊंगी रोली से तिलक, फिर मैं थोड़ा सा हल्दी से भी तिलक लगाऊंगी, और लगाया जाएगा माता रानी के इत्र, क्योंकि इत्र लगाने से जो माता रानी है वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। फिर चढ़ाएंगे माता रानी को फूल, और माता रानी को जो मीठा पान है वो भी सामने रख देंगे भोग के लिए, और जो ये श्रृंगार का सामान है माता रानी का वो भी पास में ही रख देंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो भी माता रानी के सामने दिखाकर उन्हें उनके सामने ही अलग चौकी पर रख देंगे, और ये जो फल लिए हैं वो भी उन्हें दिखाकर वो भी सामने ही अलग चौकी पर रख देंगे। तो गणपति जी की भी हमने पूजा कर ली है, धूप से पान भी चढ़ा दिया, फूल भी चढ़ा दिया, माता रानी को भी पान चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, और उनके भोग का सामान भी सामने रख दिया। तो अब बात करते हैं कि जब हम आरती करेंगे तो आरती में क्या करना है। आरती के लिए जलाना होगा पहले दिया, और फिर हमें एक कपूर भी जलाना होगा। तो जब आरती करेंगे आरती में जलाएंगे कपूर, और जैसे कि मैंने व्रत किया घर के अंदर तो मुझे एक जोड़ा लौंग रोज जलाना होगा, सुबह के टाइम में, शाम को नहीं सुबह के टाइम में जलाना होगा। और ध्यान रहे कि जो लौंग है उसके ऊपर ये फूल होना चाहिए, और जो कवारी लड़कियां हैं वो जब कपूर जलाएंगी तो माता रानी को जब लौंग अर्पित करेंगी तो वो सिर्फ एक लौंग अर्पित करेंगी। तो ये इस तरीके से। तो अब मैं जला रही हूँ माता रानी के सामने जोत, क्योंकि हम कलश को, गणपति जी को और माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे। तो मैंने जोत जला दी है माता रानी के सामने। अब करेंगे नवग्रह की पूजा, वहाँ पर भी पहले जो जल लेंगे, जल से छींटे मारेंगे, वहाँ पर चढ़ाएंगे वस्त्र, फिर नवग्रह पर चढ़ाएंगे फूल, फिर लेंगे एक पान का पत्ता, उस पर एक सुपारी, एक इलायची और एक लौंग, ये चढ़ाएंगे नवग्रह पर, और मंत्र बोलेंगे ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रीप्रांत कारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो फिर जो ये धूप दीप है ये पहले गणपति जी को दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कलश को, माता रानी को, और जो नवग्रह की पूजा की है हमने उनको ये धूप दिखाएंगे। तो जो आप षोडश मातृका बनाएंगे तो षोडश मातृका की भी पूजा आपको ऐसे ही करनी है। वैसे जब षोडश मातृका बनाना बताऊंगी तो आपको पूजा भी मैं साथ के साथ बता दूंगी।
फिर हम ले लेंगे दुर्गा सप्तशती, इसमें से हम पढ़ेंगे पहले दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, और इसके आगे जो है ये देखिए दुर्गा सप्तशती भाषा है, इसका पाठ भी आपको करना है। इसमें अगरला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, वो भी आपको करना है। दुर्गा कवच का पाठ भी आपको रोजाना करना है। ये देखिए ये है अर्गला स्तोत्र, ये भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को सुना दूँ मैं। फिर है कीलक स्तोत्र, ये भी रोज़ पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है वो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस दुर्गा चालीसा पढ़नी है, दुर्गा कवच पढ़ना है। फिर उसके बाद हम करेंगे आरती, आरती करने के बाद जो हमें है जो माता रानी के ये दुर्गा सप्तशती के अध्याय हैं वो करने हैं। कुछ लोग पूरे बुक जो है जितने भी अध्याय हैं रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं एक अध्याय रोज़ पढ़ते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, आपने अध्याय रोज़ करने हैं या पूरी बुक पढ़नी है या एक अध्याय रोज़ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको बताई बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल साधारण तरीके से, पारंपरिक तरीके से पूजा कैसे की जाती है। तो क्योंकि जो सारा सामान है वो घर में मिल ही जाता है, जैसे मैंने हल्दी की गांठ ली थी, आप इसे भी कलश में डाल सकते हैं, कमल गट्टा अगर आपके पास हो तो वो भी आप कलश में डाल सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी व्रत किया जाता है तो सर धोया जाता है, तो जब आप माता रानी के नवरात्रों करेंगे और सर धोएंगे पहले नवरात्रे, तो आपको अपने सर में कंघी नहीं करनी है, बिना कंघी किए ही आपको जो पूजा है वो संपन्न करनी है। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपको लगे कि नवरात्रि में पूरा उत्सव का माहौल है, पूरा हमें बहुत अच्छा फील होना चाहिए, तो आप अपने घर के बाहर बंधनवार लगाएं, आम के पत्तों की लगाएं, अशोक के पत्तों की लगाएं, या फूलों से बनाकर बंधनवार अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, और घर के जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर के मेन गेट पर आपको छोटी सी रंगोली बना लें, या आप फूलों से बनाएं, कलर से बनाएं, किसी से भी बना सकते हैं, और जो माता रानी के चरण हैं वो भी आप ज़रूर बनाएं। वैसे मैंने पिछली बार भी माता रानी के चरण आपको बनाकर दिखाए थे, जब माता रानी के सामने पट्टा रखा था लकड़ी का, उस पर मैंने चरण बनाकर बताए थे कि कैसे चरण बनाए जाते हैं। तो आप वो चरण भी बनाएं, घर के अंदर भी फूलों से रंगोली बनाएं, जहाँ माता रानी की जैसे चौकी लगाई है तो उसके सामने भी आप रंगोली, आजकल बनी बनाई बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, तो वो रंगोली बनाएं। फूलों से बनाएं, जैसे ये कलर किए हुए चावल हैं, तो अगर आप इससे रंगोली बनाते हैं तो एक तो अच्छी भी लगती है और दूसरा शुभ भी होती है। तो कोशिश करूँगी कि ये सब वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि षोडश मातृका भी बनाई जाती है, वो भी बहुत शुभदायी होती है, फलदायी होती है, और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। जब 9 दिन माता रानी की चौकी पर वो षोडश मातृका बनी होती है, वो 16 देवियां होती हैं जिनका हम आवाहन करते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं आज की वीडियो में ही बताती तो जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती, तो उसकी वीडियो कोशिश करूँगी जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि जो सामान चाहिए होगा वो घर में मिल ही जाएगा। अच्छा, फिर किया जाएगा हवन, हवन मैं आज आपको करके बता देती, लेकिन मैंने कुछ हवन इसलिए नहीं करके बताया, फिर वही बात की जो वीडियो है वो बड़ी हो जाती। तो बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से भी आप अपने घर में जो हवन है कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो मैंने बता दिया आपको कि बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से हम घर के सामान से ही नवरात्रियों में माता रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये भी बता दूँ, मैं थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं बता पाई कि आप लोग पूछ रहे थे कि मैम ये बताइए कि इस बार माता रानी किस पर सवार होकर आ रही है। तो माता रानी जिस पर सवार होकर आती है उसी से ही जो पृथ्वी पर घटनाओं का आंकलन किया जाता है। तो इस बार जो माता रानी आ रही है वो घोड़े पर सवार होकर आ रही है, तो उससे कहते हैं कि युद्ध की स्थिति ज़्यादा बनती है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन जैसा सुना है तो इस बार जो माता रानी है पृथ्वी पर घोड़े पर सवार होकर आएगी, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है शनिवार का। तो कहते हैं कि जब शनिवार के दिन नवरात्र पड़ता है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है। तो चलिए आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपके नवरात्रि से संबंधित कोई भी सवाल जवाब हो तो आप जल्दी से जल्दी पूछ लें।
ताकि नवरात्रि आने से पहले यानी कि पहला व्रत आने से पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे दूं। तो मैं ये इंतज़ार नहीं करूंगी कि मैं फ्राइडे को ही आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो अगर आपके सवाल ज़्यादा हो गए तो मैं हो सकता है थर्सडे को ही आप सभी के सवालों के जवाब दे दूँ। एक और चैनल है मेरा किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे राधा रानी के, कान्हा जी के और आजकलम माता रानी के भजन भी वहाँ गा रहे हैं। तो अगर आप मेरे YouTube पर नए मेंबर हैं, नए परिवार के नए मेंबर हैं, तो वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अच्छे अच्छे भजनों का आनंद उठा सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की गई पूजा विधि ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।